अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस टाइम मौजूद हैं महमद एजुकेशन सेंटर पे। आपका होस्ट अहमद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पेरेंट्स के बारे में कि वालदैन के क्या हुकूक हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या अल्लाह ताला ने माँ बाप के अलावा कोई ऐसी हस्ती बनाई है जो हमारे लिए रात दिन एक कर सके, जो हमारे लिए अपना खून पसीना एक कर सके। माँ बाप ना तो अपने रात की नींद की परवाह करते हैं, ना ही अपने दिन के चैन की परवाह करते हैं। एक माँ खुद गीले बिस्तर पर लेटती है, लेकिन अपनी औलाद को सूखे पे डालती है कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना आए, मैं रात जाग के गुजार लूंगी, लेकिन ये मीठी नींद सोए। आज के इस दौर में अगर माँ बाप अपनी औलाद को कोई काम कह देते हैं, तो वो सोचते औलाद सोचती है कि इन्होंने हमें क्यों काम कहा, इससे तो हमारी इज्जत नफ्स मजरूह होगी है, हमारी इज्जत में कमी वाकिया होगी है। लेकिन क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, क्या वो कोई और कर सकता है? कुरान और हदीस के अंदर माँ बाप के हकूक को वाजिया तौर पर बयान किया गया है। एक दफा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपने बाप की शिकायत की कि अका, मेरा बाप हर वक्त मुझसे पैसे मांगता रहता है। तो आपने इरशाद फरमाया, तू और तेरी दौलत तेरे बाप का है, तू और तेरी दौलत तेरे बाप का है, यानी जो कुछ भी है वो तेरे बाप का है। इसके अलावा एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि द प्लेजर ऑफ अल्लाह लाइज इन द प्लेजर ऑफ वंस पेरेंट्स, कि अल्लाह की खुशी तुम्हारे वालदैन की खुशी में है। इसके अलावा एक और जगह पर आता है कि एक दफा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा कि आका, मेरे बेहतरीन दोस्तों में से मेरा दोस्त बेहतरीन दोस्त कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने तीन बार दरियाफ्त किया, आपने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। चौथी बार दरियाफ्त करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त तुम्हारा बाप है, यानी माँ बाप तुम्हारे सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। इसके अलावा एक और हदीस में आता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, वो जन्नत जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है कि हम अपने नामा एमाल के जरिए उस जन्नत को ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने माँ को ऐसी हस्ती बनाया है कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है। अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है, तो बाप का रुतबा भी किसी से कम नहीं। बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। ये तो कुछ ऐसी बातें थीं जिनको माँ बाप की जिंदगी में पूरा करना लाजिम है। लेकिन अगर माँ बाप वफात पा जाए, तो उसके बाद भी कुछ ऐसी डीड्स हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको करके उनकी रूह को सुकून पहुंचाया जा सकता है। उसमें नंबर एक, उनके लिए दुआ की जाए कि या अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को बख्श दे, या अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह अता फरमा। इसके अलावा उनके नाम पर सदका खैरात किए जाएं, उनके नाम पर हज किया जाए, उमरा किया जाए, उनके नाम पर कुरान पाक की तिलावत की जाए। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनको करके माँ बाप की रूह को सुकून पहुंचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। अल्लाह निगेबा।